अस्सलाम वालेकुम यावर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज हम किसका शो करेंगे यावर भाई? आज हम एक कमांगर कबूतर का शो करेंगे और जो बहुत ही नहायत और खूबसूरत कबूतर है। ठीक, बाकी हम जो हमारे देखने वाले हैं उनको दिखाएंगे, जब उनको पसंद वो खुद देखेंगे कबूतर कैसा है क्या है। बिल्कुल, मैं कबूतर के बारे में ना ज़्यादा तारीफ़ें करता हूँ ना कबूतर के बारे में ज़्यादा बातें करता हूँ। जो कबूतरबाज होगा, जिसको पता होगा, जो खबरदार होगा, हाँ, उसको खुद पता चलेगा ये अच्छा है, खुद समझ जाएगा क्या है। मैं क्यों करूँ कबूतर की तारीफ, खुद उनको खुद पता चलेगा कबूतर कैसा है, कैसा होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कैसा ना होना चाहिए। क्योंकि आज कल के दौर में सब कबूतरबाज अपनी अपनी जगह पर बहुत जानकारी रखते हैं। बिल्कुल, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक जो नर निकला है मेरे लॉट से, लेकिन ये अपने कबूतरों का एक पट्टा निकला है। अच्छा, खुद? हाँ खुद। ये कमांगर फीमेल थी मेरे पास और उसके साथ मैंने डव वाला मेल लगाया था, इसलिए इनमें ये शाइन, ये कलर, ये खूबसूरती। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। अब आप इनकी आँखों का शौक करें, माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत आंखें। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी थोड़ी ठंड है क्योंकि जो इनकी आंखों में अभी रंगत है वो भी बहुत आएगी, लेकिन जब ये एज में चले जाएंगे कबूतर। और जब अभी क्या एज होगी इसकी, इस मेल की? अभी इसकी एज अबाउट 7 मंथ्स है बस, मतलब अभी बहुत छोटा है। बहुत छोटा है अभी, इनमें कलर में भी बहुत फर्क आएगा। अब हम इसकी, ये है दुम इसकी, इस मेल की। तो ये अभी आपने लगाया है जोड़े में या? हाँ, मैंने इसको जोड़े में लगाया। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको मैंने कौन सी फीमेल साथ में लगाई है। जी 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 जी, पार का शो जरा इसके पार दिखाइए हमको। हाँ, हम आपको इसके पंजे सब कुछ, ये देखो ये इसके पंजे हैं इसी कबूतर के। जी जी जी, ये दुम और ये इस कबूतर की पार है। रिंग भी लगा है इसके पैरों में? जी जी। कौन से नंबर का रिंग लगा है इसके अंदर? मैंने 10 नंबर रिंग डाला है। तो मादी के अंदर भी 10 नंबर का रिंग होगा? 10 नंबर रिंग है। माशाल्लाह। अब हम इसकी फीमेल का शो करेंगे और आप बने रहिए, देख जो करवाएंगे, जो आपने ना ही दुबई में, ना ही पाकिस्तान में, ना ही कश्मीर में देखे होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी हमसे बढ़कर कबूतर हैं कबूतरबाजों के पास। पाकिस्तान वालों के पास कबूतर हैं वो भी हमसे अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे पास हैं बिल्कुल उनकी कॉपी नहीं मिलेगी आपको कहीं जगह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये फीमेल है यार भाई? जी, ये इसी की लेशन है थोड़ी इनकी, लेकिन इनब्रीड नहीं है, इनमें 2 बाप हैं। अच्छा अच्छा, मादा एक ही है। अच्छा अच्छा, जो फीमेल है ये मेरी कम से कम 5-6 साल पुरानी फीमेल है। इससे बड़ी है ये? हाँ, इससे बड़ी है, लेकिन मैंने इसको इसी के साथ लगाया है। वजह इसी के साथ क्यों लगाया है? वजह ये है जो कबूतर होगा मेरी लाल आँखों में, मैं उसको किसी न किसी नस्ल में लगाता हूँ, लेकिन जो लाल आँख में ही हो, चाहे वो डब हो, कमंगर हो, मिस्से हो, और कोई नस्ल हो, लेकिन मैं इनको, मैं लाल आँख को सियालकोटी के साथ क्रॉस नहीं करता। जी जी जी, वो क्रॉस तब हम डाल सकते हैं जब मुझे कबूतर उड़ाने के लिए हो, जब मुझे कबूतर ब्रीडर बनाना होगा या लाइन मेंटेन करनी होगी, तब मैं लाल कमांगर को कमांगर के साथ ही मिक्स करता हूँ। बिल्कुल, लाइन ब्रीडिंग। जी जी, ये इस फीमेल का शो कर। माशाल्लाह, कोई बच्चा है आज इनके पास? इनका कोई? हाँ, इनके पास अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं सर्दी में। अच्छा अच्छा, सर्दी में भी इनके बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बच्चे निकाले हैं। इनसे कितने बच्चे आपने अभी तक निकाले इस पेयर से? नहीं, इस फीमेल से मैंने बहुत बच्चे लिए हैं, लेकिन इस पेयर से पहला फर्स्ट बेबी, इस नार के साथ पहला निकाला। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट बेबी पेयर इनके साथ। माशाल्लाह, इसके पार दिखाइए ज़रा। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। अब हम पेयर का शो करेंगे। हाँ जी, मेरी नज़र में इस क्वालिटी और इस कलर पैटर्न में आजकल बहुत ही कम कबूतर होगी यार, होगी ही नहीं, होंगे इससे अच्छे होंगे, लेकिन इस कलर मतलब ये पैटर्न